अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे माजी की मशहूर और मारूफ अदाकारा के बारे में, जिनके मुतलक शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तानी अदाकारों से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने आज भी उनको अपनी यादों में जिंदा रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रुखसाना की। आज हम माजी की इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी और फिल्मी सफर पर बात करेंगे, माजी की यादों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल इंफॉर्मेशन विद फवाज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि सबका व आने वाली बहुत सारे पुराने व नए अदाकारों के मुतालिक मालूमात आपको मिल सके। बगैर वक्त जाया किए वीडियो की जानिब आते हैं। फिल्म स्टार रुखसाना, जिनका असल नाम रशीदा बेगम, निकनेम चीकू था। चीकू नाम किस मुनासिबत से पड़ा आगे चलकर आपको बताएंगे। रशीदा बेगम 40 की दहाई में कराची पाकिस्तान में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुई। आपके अबाउजदाद का ताल्लुक इसी इलाके से था। आपने अपने कैरियर का आगाज स्टेज से किया। रिवोली थिएटर जो कराची में वाकया है, ये 50 की दहाई के आखिर की बात है कि आपको रिवोली थिएटर में अदाकारी करने का चांस मिला और उसमें आपका किरदार चीकू के नाम से था, इसी वजह से आपका निकनेम चीकू पड़ गया। फिल्म स्टार रुखसाना को फिल्मों में मुतारिफ सिंधी फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम शेख हसन था, उन्होंने अपनी फिल्म हमारी जुबान में करवाया। मस्कुरा फिल्म कराची में बनी थी, इसमें खुद शेख हसन ने भी अदाकारी की। मस्कुरा फिल्म पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी, जो 10 जून 1955 को रिलीज हुई, मगर बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही। मस्कुरा फिल्म कराची के अलावा किसी दूसरे शहर में रिलीज भी ना हुई और कराची में भी एक हफ्ते से ज्यादा ना चल सकी। इस फिल्म में फिल्म स्टार रुखसाना अपने हकीकी नाम रशीदा से मुतारफ हुई थी। चूंकि मजगूरा फिल्म बहुत बुरी तरह नाकाम हुई थी और रशीदा बेगम की ये पहली फिल्म थी, तो आपने कैरियर में कामयाबी हासिल करने के लिए अपना नाम तब्दील करके रुखसाना रख लिया। इसके बाद आपको फिल्म डायरेक्टर एम एच मुहिब की फिल्म सितारों की दुनिया में साइड हीरोइन का किरदार मिला। मजगूरा फिल्म में हीरोइन मीना शोरे थी और हीरो फिल्म स्टार एजाज। ये फिल्म कामयाब हुई। 1960 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम गरीब था, जिसमें रुखसाना बतौर हीरोइन नमूदार हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर कैसर पाशा थे, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर 1963 में आप बतौर हीरोइन लाला सुधीर के साथ नजर आईं। इस फिल्म के डायरेक्टर अब्दुल हमीद थे। इसके अलावा भी इस फिल्म में उस वक्त के मशहूर अदाकारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। फिल्म स्टार रुखसाना वहीद मुराद के साथ भी हीरोइन आ चुकी है। फिल्म का नाम था हो निहार, जो 1966 में रिलीज हुई, लेकिन बदकिस्मती से मजकूरा फिल्म भी कामयाबी हासिल ना कर सकी। 1967 में आपकी एक और फिल्म बतौर हीरोइन आई, जिसमें आपके साथ हीरो सैयद कमाल थे। फिल्म का नाम था मून नहीं, जो 1967 में रिलीज हुई, लेकिन बदकिस्मती से इतने बड़े हीरोज के साथ बतौर हीरोइन आकर भी आपको कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी, तो फिल्म मेकर्स ने आपको साइड रोल और साइड हीरोइन ही कास्ट करने का फैसला किया। फिल्म स्टार रुखसाना को एज ए साइड हीरोइन ज्यादा शोहरत मिली, यानी आपको साइड हीरोइन के तौर पर ज्यादा पसंद किया गया है। हालांकि आप एक दर्जन के करीब फिल्मों में बतौर हीरोइन आ चुकी थी। आपकी चंद सुपरहिट फिल्मों के नामों का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें आपने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। शबाब किरानवी की फिल्म मेहताब, जो 1962 में रिलीज हुई, उसमें अदाकारी की, जिसको बहुत पसंद किया गया। मस्कुरा फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म आशियाना, जिसमें जेबाजी और हबीब हीरो थे, आप साइड हीरोइन के तौर पर नजर आई, ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद फिल्म सज्जन प्यारा, जो कफायत हुसैन भट्टी की डायरेक्शन में भट्टी पिक्चर्स के बैनर थले बनी थी, मस्कुरा फिल्म भी सुपरहिट फिल्म थी। 1970 की मशहूर मरूफ फिल्म मां पुत्र, जो कि सेकंड प्लैनेटेरियम जुबली फिल्म थी, उसमें भी आपने अदाकारी की। फिल्म डायरेक्टर हसन तारा की फिल्म बहारो फूल बरसाओ, जो 1972 में रिलीज हुई, इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल है, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। फिल्म स्टार रुखसाना ने 80 के करीब फिल्मों में काम किया। आपकी आखिरी फिल्म 1974 में रिलीज हुई, फिल्म का नाम था रानू। 70 की दहाई की शुरुआत में आपने कराची के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, जिसमें से आपकी दो बेटियां पैदा हुई। शादी के बाद रुखसाना ने फिल्मों से मुकम्मल किनारा कशी अख्तियार कर ली और 90 की दहाई की शुरुआत में आप अपनी फैमिली के हमरा इंग्लैंड चली गई और वहां मुस्तकर रहायश अख्तियार कर ली। अब भी इंग्लैंड में ही मुकीम है। आपके खामन का इंतकाल हो चुका है। आप अपने बच्चों के हमरा मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर कर रही हैं और अपनी फिल्मी जिंदगी को मुकम्मल भुला चुकी हैं। हमारी दुआ है कि रशीदा बेगम उर्फ रुखसाना हमेशा खुशो आबाद रहें,
दोस्तों इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आप पुराने अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप बहुत सारे ऐसे अदाकार जिनके बारे में आप जानकर यकीनन खुश होंगे। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।